हेलो, आज हम बनाते हैं मुंबई का स्पेशल स्ट्रीट फूड जिनी डोसा। जिनी डोसा को जिनी रोल डोसा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसकी मजेदार बात बताऊं, इसमें आपको तीन स्वाद मिलेंगे, पाव भाजी और पिज्जा का स्वाद एक क्रिस्पी डोसे में। तो चलिए बनाते हैं जिनी डोसा। मैंने सभी सब्जियों को चॉप कर लिया है और मकई को मैंने स्टीम कर लिया है। एक नॉनस्टिक तवा गरम करके उस पर पानी छाटेंगे और इसे बाद में कपड़े से पोंछ लेंगे। इससे हमारा डोसा क्रिस्पी बनेगा और उखाड़ने में उसे आसानी होगी। अभी डोसा जितना बड़ा बना सके उतना डोसा बनाइए, पतला उसे ना करिए, ठीक है। थोड़ा हो जाए तो उसके ऊपर हम बटर डालेंगे और शेजवान चटनी को भी मैंने थोड़ा पतला कर लिया है ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, और बाकी की सब्जियां जो हमने चॉप की है वो भी उसके ऊपर हम डालेंगे। आधा चम्मच हम डालेंगे पाव भाजी मसाला, स्वाद अनुसार हम डालेंगे नमक, 1/4 चम्मच जितना चाट मसाला और फिर ऊपर डालेंगे बटर। ये सब डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे और हमारे डोसे पर अच्छे से इसे फैलाएंगे। थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे, जैसे थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, पीछे से थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रेट किया हुआ चीज़। अब देखिए हमारा डोसा पीछे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। कितना आसानी से फोल्ड हो गया और हमारा क्रिस्पी डोसा भी तैयार हो गया। इसी तरह हम दूसरा डोसा भी बनाकर बताते हैं। इसमें मैंने वेजिटेबल्स लंबे काट लिए थे, आप चाहो तो इसे स्क्वायर शेप में काट सकते हैं। मैंने शेजवान चटनी यहाँ पे रेडीमेड यूज़ की है, उसे थोड़ा डाइल्यूट कर लिया है, पर हाँ मैंने डोसा बैटर घर पे बनाया है। देखिए अभी मैं हमने सब वेजिटेबल्स डाल दिए, अब ग्रेटेड चीज़ भी डाल दिया है और जैसे गोल्डन ब्राउन हो गया हमने डोसा फोल्ड कर लिया और हमारा जिनी डोसा तैयार है। आप इसे चटनी, डिप या सॉस के साथ में भी सर्व कर सकते हो। आशा है मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।